हेलो, मैं आर्थिका शुक्ला हूँ। आप में से कई लोगों ने मेरा इंटरव्यू पहले भी देखा होगा। मेरी इस बार यूपीएससी में चौथी रैंक आई है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है, मैं एमडी कर रही थी जिसके दौरान मुझे लगा कि मैं यूपीएससी की परीक्षा दूँ और इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम दिया। अब आज मैं ये मैंने जो भी इन पूरे एक साल में जिस तरह तैयारी की, जो भी मैंने सोचा करने का, जैसा रिजल्ट आया, इन सब से जो भी मैंने सीखा वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ आपको, मुझे पता नहीं आपको कितना इससे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप में से किसी एक को भी इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानूंगी। शुरुआत करते हैं कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कब से करनी है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग आपको ऐसा कहेंगे कि आप बचपन से ये करें, स्कूल टाइम से करें, कोई एक पर्टिकुलर टाइम है जब आपको शुरुआत करनी चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैंने शुरुआत 2014 के नवंबर में की थी और एक साल में मैंने इसकी ठीक ठाक तैयारी कर ली। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपको जब भी लगे कि आपको ये परीक्षा देनी है, आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल इसमें जुट जाएं। उसमें आपकी उम्र कितनी है, कितने साल बचे हैं, कितने अटेम्प्ट बचे हैं, इनका कोई आप इसका ध्यान ना दें। और अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं तो एक साल भी बहुत है। मैंने एक साल ही मेहनत की है। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम, जैसा कि आपको पता ही होगा, प्रिलिम्स होता है, जो अगस्त के महीने में होता है पिछले दो साल से। दूसरा एग्जाम इसका मेंस होता है, जो दिसंबर में होता है, और अगर इन दोनों में क्वालिफाई हो जाए तो इंटरव्यू होता है, जो प्रोबेबली मार्च से मई जून तक चलता है। प्रिलिम्स का जो पेपर होता है उसमें दो पेपर्स होते हैं, एक होता है सी सैट या एप्टीट्यूड और एक होता है जनरल स्टडीज। प्रिलिम्स में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर नहीं होता है, ये पैटर्न चेंज हो गए हैं। सी सैट जो है वो क्वालिफाइंग हो गया है, तो उसमें बस अब आपको 33% ही लाने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा कुछ उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तैयारी की बात करें, जैसे मैंने करी थी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। पेपर जो जीएस का होता है उसका यूपीएससी एक सिलेबस निकालती है, उस सिलेबस को आप देखें, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट इवेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ होता है। एक्चुअली कोई सिलेबस होता ही नहीं है, जो भी देश में चल रहा है, जो एक जनरल वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन को पता होना चाहिए वो सब इस पेपर में आता है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत घबराती थी, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करें तो आपके इतने नंबर आ जाएंगे कि प्रिलिम्स में आपका सिलेक्शन हो जाए। और प्रिलिम्स में अच्छा करके बहुत अच्छी रैंक का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, प्रिलिम्स सिर्फ सिलेक्शन लेवल का एग्जाम है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, इनमें मैं बड़ा ही बेसिक सा आपको बता सकती हूँ कि स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री एक किताब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं क्लास 6 से 12 तक, और इधर उधर अगर आपको थोड़ा और जानना है तो आप जीसी लियोंग भी पढ़ सकते हैं, बट उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती। और इकोनॉमिक्स के लिए अगेन आप एनसीईआरटी के 10th, 11th, 12th की किताबें पढ़ लें तो वो मोर देन इनफ नॉलेज है। इसके अलावा जो करंट इवेंट्स है उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, और मैंने सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा था जो द हिंदू था। आई थिंक बहुत सारे लोग और भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख लें। उसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस और डेवलपमेंट्स और ये जनरल बातें हैं, वो आपको न्यूज़पेपर के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो नहीं पढ़ी थी, और उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगी कि प्रिलिम्स और मेन्स की तैयारी आप साथ साथ करें। दिन भर में अगर 3 घंटे आप प्रिलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो मेंस के लिए 1 घंटा निकाल लें। प्रिलिम्स के वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ें जो मेंस में कोइंसाइड करते हैं, तो ऐसा करके आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल तक आ जाएगी अगस्त में ही। इसके अलावा मैंने एक चीज़ जो की थी प्रिलिम्स की तैयारी में, वो था डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के टेस्ट पेपर्स करना।
तो वो आप जरूर करें। मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मेरा कोई क्लासरूम कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। एक कोचिंग कहीं मैं गई भी थी तो मैंने 3 दिन के बाद वहां जाना छोड़ दिया था। इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप एक बार दिल्ली जाएं एग्जाम के 2 महीने पहले, और जितने भी कोचिंग सेंटर्स जो फेमस हैं उस साल जो चल रहा है, जो टॉपर्स बोलते हैं, उन कोचिंग सेंटर्स के पेपर्स लेके वो पेपर्स घर पे करें। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा देता है। आप टाइम लिमिट में करें तो आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा फील होता है। और कुछ एक दो कोचिंग हैं जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया है, विजन आईएएस है, इनके क्वेश्चंस एक्चुअली हमारे मेन यूपीएससी के पेपर में रिपीट भी होते हैं, तो ऐसा जरूर करें। और इसके साथ सीसैट के लिए ज्यादा टेंशन लेने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसमें बड़ा ही बेसिक 10th लेवल का मैथ्स, 10th लेवल की इंग्लिश, थोड़ा सा समझदारी कॉम्प्रिहेंशन वो आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता उसके लिए किसी स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत होती है। अगर आपको इंग्लिश में डर लगता हो तो आप इंग्लिश की कोई किताब पढ़ ले। मैंने नहीं पढ़ी थी इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती कि कौन सी पढ़नी। ये सब करके आपका प्रिलिम्स खत्म हो जाएगा। अब एक बात है कि प्रिलिम्स देने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 1-1.5 महीने बाद आता है, और आपका मेंस का एग्जाम दिसंबर में ही होता है। तो इसलिए हम मेंस की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले प्रिलिम्स के रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया था कि प्रिलिम्स के बाद 1 हफ्ते का गैप लिया और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया मेंस की तैयारी करने। आपको भी यही करना चाहिए, आपको खुद पे इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर आपने प्रिलिम्स दिया है तो आपका सिलेक्शन होगा और हो जाएगा। प्रिलिम्स इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आता है मेंस की तैयारी। अब मेंस की तैयारी में बहुत सारा, इट इज अ वेरी वास्ट थिंग, बहुत बड़ा है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड करना है, बहुत सारी चीजें इसमें सोचनी भी पड़ती हैं। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, इन 4 भाग में बांट के मेंस की तैयारी करते हैं। जो पेपर 1 है उसका सिलेबस आपको यूपीएससी के साइट पे मिल जाएगा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है मेंस के सिलेबस को ध्यान में रखें, उसको याद कर लें, उसको अपने कमरे में चिपका लें, ताकि जो भी उसमें कुछ लिखा है वो अगर आपको कभी चलते फिरते दोस्तों से बात करते हुए, न्यूज़पेपर में आते हुए, कहीं भी वो लगे कि आपको कुछ उसके लायक चीज मिल रही है तो उसको आप कर सकें। तो आप सिलेबस याद कर लें। उसके बाद बात आती है प्रिपरेशन की। पेपर 1 जो है उसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट, और 1-2 टॉपिक्स और होते हैं, सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी का प्रेजेंस और वुमेन का उसमें क्या रोल है, और ये सारी चीजें कुछ बड़ा सा सिलेबस है यूपीएससी के साइट पे, वो आप पढ़ें। पेपर 1 के लिए मैंने जो किया था वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। हिस्ट्री में मैंने बिपिन चंद्रा की जो 2 किताबें हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, वो दोनों पढ़ी थी। मैंने रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी भी पढ़ी थी, पर वो एग्जाम के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आपको पढ़ने का शौक है तो वो किताब जरूर पढ़ें, वो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। ज्योग्राफी के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर आपको एक बेसिक ज्योग्राफी का सेंस प्रीलिम्स तक हो जाना चाहिए, उसके लिए आप एनसीईआरटी 10th, 11th, 12th, 9th, आपको जहां भी लगे कि आपको पढ़ने की जरूरत है वो पढ़ लें। 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके एडिशन में आप जीसी लियोंग पढ़ें, मैंने वो पढ़ा था। फिजिकल पार्ट, एटलीस्ट पार्ट 1 उसका आप बहुत अच्छे से पढ़ें। आजकल तो क्वेश्चंस मेरे पेपर में नहीं आए थे लेकिन आ सकते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन सब का आपको ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। मैंने एक मृणाल की साइट है, एक इनसाइट्स ऑन इंडिया है, इन पे ज्योग्राफी के लेक्चर्स बहुत ध्यान से पढ़े थे, मैंने उनके वीडियोस भी पढ़े थे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, थोड़ा सा आप ले सकते हैं इंटरनेट का हेल्प इन ज्योग्राफी। उसके बाद आता है सोशल, सोसाइटी की जो बातें हैं, मैं उसके लिए एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगी कि सोसाइटी और वुमेन और इन सब बातों के लिए आपको कोई अलग से मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कोई पेपर में जो ये सारी चीजें आती हैं, द हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो या आप जो भी पढ़ते हो, आपने करंट इवेंट्स अगर पढ़ा हुआ है तो सोसाइटी आपका ऑलरेडी तैयार है, उसमें आपको कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, जो भी नई चीजें हो रही हैं वही काफी हैं फॉर करंट, फॉर सोसाइटी इन पेपर 1।
उसके अलावा कोचिंग बहुत सारे मटेरियल्स निकालती हैं, सोसाइटी पे किताब है, एनसीईआरटी है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा था. सिर्फ जो पूरे साल हो रहा है आप उससे अप टू डेट रहें, आप पीआईबी की साइट्स पढ़ते रहें, आप पीआरएस में पढ़ते रहें, आप एमपीआर पढ़ते रहें, मंथली पॉलिसी रिव्यू होता है, ये गवर्नमेंट के साइट्स हैं. अगर और टाइम हो तो आप गवर्नमेंट की इंडिविजुअल साइट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की अपनी एक साइट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक साइट है, वो साइट्स पढ़ते रहें, इतना काफ़ी है सोसाइटी का पार्ट प्रिपेयर करने के लिए. उसके अलावा एक आई थिंक डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर वन में आता है, उसके लिए एआरसी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, वो दैट इज मोर देन इनफ. उसके अलावा आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. इन एडिशन अगर कोई डिजास्टर कंट्री में हुआ है, कहीं अर्थक्वेक आया है, कहीं फ्लड्स आए हैं, तो न्यूज़पेपर से आपका वो प्रिपेयर होता रहे. तो पेपर वन का इतना हुआ. अब हम पेपर टू पे चलते हैं, जो मुझे सबसे टफ लगता था यूपीएससी के पेपर्स में. दैट इज अबाउट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी आई थिंक एंड सोशल जस्टिस. और ऐसा बड़ा ही बड़ा सा पेपर है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बट सिलेबस से डरने की कोई बात नहीं है. आपको सिलेबस याद कर लें सबसे पहले. एक बेसिक बुक जो है वो है लक्ष्मीकांत, मैंने वही पढ़ी थी प्रिलिम्स के लिए, और वही आपको मेंस के लिए भी एक बार दोहरानी होगी. उसके बाद जो भी टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में आप या तो किसी कोचिंग सेंटर से वो मटेरियल लेके पढ़ें, या उससे बेटर तरीका क्या है कि आप उन टॉपिक्स को गूगल पे डाल दें और जो भी रिजल्ट आए आप वो ऊपर ऊपर से पढ़ लें. जो आपके करंट इवेंट्स चल रहे हैं, जो हिंदू में खबरें आ रही हैं, वो सारा आप ऊपर से पढ़ लें. और उनसे इन एडिशन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज की साइट्स पे जाएं और उनसे पढ़ते रहें. मंथली पॉलिसी रिव्यू अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. योजना एक गवर्नमेंट का मैगजीन है, 10 रुपए की आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है. योजना मैगजीन आपको जरूर पढ़नी है, उससे पेपर टू ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाता है. इन एडिशन पेपर टू में सोशल डेवलपमेंट और ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको बड़ा यू नो फोकस होके पढ़ना पड़ेगा. जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, कोई जुवेनाइल लॉ आया है, कोई लड़कियों पे लॉ आया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ये सब आपको थोड़ा सर्च करके देखना होगा. मैंने इंटरनेट का बहुत यूज किया था पेपर टू में, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटर है कि आप जो कोचिंग के मटेरियल्स आते हैं या जो कोचिंग में पढ़ाते हैं कि भाई टॉपिक है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन या स्टेट लेजिस्लेचर, तो अब इस पे आप थ्योरी के 20 पन्ने पढ़ रहे हैं, 50 पन्ने पढ़ रहे हैं, इनका कोई यूज नहीं है. यूपीएससी में अब ऐसे सवाल ही नहीं आते जो आप किसी किताब में पढ़ के आंसर वहां कर पाए. आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैंने जो साइट्स बताई आप वो साइट्स देखते रहें. आप खुद सोचें अभी अगर कोई लॉ आया है उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, आप गूगल पे डाल दें एडवांटेजेस ऑफ द रिसेंट अमेंडमेंट, आपको खुद 4-5 टॉपिक्स मिल जाएंगे, 4-5 न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स मिल जाएंगे. उसको पढ़ें, अपना एक व्यू बनाएं, उसको शॉर्ट करें और अपनी कॉपी में, या अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं तो शॉर्ट करके एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ्स में उसको लिख दें. इस तरह आपको पेपर टू करना है. पेपर टू रिक्वायर्स बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और फोकस. वो आपको डे वन से डे लास्ट तक करना है और एंड तक आपको लगेगा कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, बट यही सही तरीका है. आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये किताब पढ़ लो, ये कोचिंग कर लो, ये टेस्ट पेपर कर लो, ऐसा मत करिए. मैंने ऐसा नहीं किया था. आप एक जागरूक सिटीजन की तरह पेपर टू की प्रिपरेशन करें, एक स्टूडेंट की तरह ना करें. तो जो क्वेश्चन पेपर में एक सवाल आएंगे वो भी आप एक बहुत ही अच्छे लेवल का आंसर उसमें लिख सकते. इसके अलावा पेपर टू में मुझे लगता है थोड़ा सा एक कॉमन सेंस की जरूरत होती है, वो नॉर्मली डेवलप होने में थोड़ा मुश्किल होता है. तो आप एक मॉक टेस्ट सीरीज जरूर करें पेपर टू के लिए. उसमें आपको ऐसे रैंडम सवाल पूछे जाएंगे, आपको लगेगा जब आप टेस्ट दे रहे होंगे कि मैं क्या लिखूं. ऐसा ही सेम यूपीएससी के पेपर में भी होगा. मैंने जब पेपर दिया था 20 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको पहली बार पढ़ के मुझे लगा ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है. बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसके बारे में आप 15 सेकेंड सोचें, एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से, एक बहुत ही जागरूक और नॉर्मल सिटीजन की तरह आप वो क्वेश्चन पढ़ें और एक स्मॉल सा आंसर 200 वर्ड का उस पर लिख दें. और यही वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे. आप ये मत सोचिए कि आप हर टॉपिक के बारे में यू नो 200 वर्ड्स याद करके जाएंगे और वहां उलट देंगे, ऐसे सवाल ही नहीं आएंगे. तो पेपर टू के लिए ये जो बात, ये सारा प्रिपरेशन टेक्निक प्लस एक मॉक टेस्ट सीरीज जो आपको सोचना सिखा दे,
जो आपको कम समय में 3 घंटे में 20 क्वेश्चन सोच के लिखना सिखा दे, ये करना इज मोर देन इनफ, और कुछ करने की जरूरत नहीं. फिर आता है पेपर 3 विच इज इकोनॉमिक्स. और इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है जो मुझे एज अ डॉक्टर बहुत टफ लगता था. मुझे कुछ नहीं पता था जब मैंने ये प्रिपरेशन शुरू की. मुझे ये भी नहीं पता था कि बैंक्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, क्या होता है लोन, क्या होता है लेंडिंग रेट, आरबीआई का काम क्या है. तो अगर आपकी भी ऐसी हालत है तो आप इससे घबराइए मत, काफी टाइम है और इसके लिए पढ़ाई की जा सकती है. बहुत ही बेसिक लेवल का इकोनॉमिक्स यूपीएससी में आता है. तो जो टफ इकोनॉमिक्स आती है एक्चुअली वो प्रीलिम्स के लेवल पे आती है. तो उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लें, आपको बेसिक इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो जाएगा. उसके बाद पेपर 3 का जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक्स हैं वो आप एक बार ध्यान में रखें. एक एनसीईआरटी आप पढ़ लें. रमेश गुप्ता की एक किताब आती है जो लोग कहते हैं पढ़नी चाहिए, मैंने थोड़ी थोड़ी वो पढ़ी थी, वो इतनी मोटी किताब है. अगर आपके पास समय है और अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप वो किताब पढ़ें. मैंने वो नहीं पढ़ी थी, मैंने शायद 2-3 पेजेस से ज्यादा नहीं पढ़े थे, बट वो एक अच्छी किताब है. मैंने मेंस के बाद थोड़ा सा उसको पढ़ा तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी. बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि एसेंशियल पेपर 3 में कोई भी किताब नहीं है. आप अगेन करंट अफेयर्स पढ़ते रहें, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो न्यूज आती है वो आप ध्यान में रखें. आरबीआई ने कोई नई कमेटी बनाई, गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ बोला, बजट आया और इकोनॉमिक सर्वे आया. मैं एक बहुत वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली हमारे पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन आए थे यूपीएससी के. सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के जो चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स और उनके जो 10-12 पेज जो वो लिखे रहते हैं उससे डायरेक्ट लाइंस उठा के यूपीएससी के पेपर में आई. तो अगर कोई ऐसी एक किताब है जो आप पढ़ लें और आपको लगे कि हाँ इससे मेरे पेपर में क्वेश्चन आए, तो वो इकोनॉमिक सर्वे. आप इकोनॉमिक सर्वे जब भी रिलीज होता है, जब भी टेबल होता है पार्लियामेंट में, उसका ओरिजिनल कॉपी लें. वो फोटोस्टैट्स और कोई भी ऐसे समरीज वो सब ना करें, और उसको लेके आप दो बार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें और इकोनॉमिक सर्वे का एक समरी बना लें. उसको आप रिवाइज करते रहें, उससे डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन आएंगे. बजट के सिर्फ की फीचर्स पढ़ने की जरूरत है, पूरा बजट पढ़ने की जरूरत नहीं है. वो थोड़ा टफ भी होता है फॉर एनीवन जिसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है. इसके अलावा पेपर 3 के लिए मुझे याद है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसमें बहुत सारे क्रॉपिंग पैटर्न्स और इंडिया की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन सब पे बातें करनी है, उसमें लिखा रहता है. तो उसके लिए आप बस ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पढ़ लें, बहुत हाई लेवल की जरूरत नहीं है. करंट इवेंट्स में अगर कुछ हो रहा हो, कहीं पे हमने कुछ नया किया, हमने फोर्टिफाइड क्रॉप्स ला रहे हैं, या कहीं पे ड्रॉट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फार्मर सुसाइड्स बढ़ रहा है, तो ये सब आपको करंट इवेंट से पता चल जाएगा. इसके अलावा पेपर 3 में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस डेवलपमेंट का एक पार्ट है जो थोड़ा डरावना लगता है शुरुआत में, बट अगेन मैं यही कहूंगी उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप रोज हिंदू पढ़ते रहें, जो उसका स्पेस का पार्ट आता है अगर आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट तो उसके नोट्स बना लें. अगर 1-2 सवाल आपसे नहीं भी आए तो उसके लिए एक पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे लगता है अगर आपने साल भर पेपर पढ़ा है तो आपको एक कोई एंड में जाके एक नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है. मेजॉरिटी बच्चे यही करते हैं. लोगों को लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवंबर में बहुत सारी कोचिंग्स एक बुकलेट निकाल देते हैं और कहती हैं कि ये पूरे साल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. उसमें टाइम वेस्ट ना करें. मैंने वो नहीं किया था. उससे हार्डली 1-2 सवाल आएंगे और उसको पढ़ने में आपको 2-3 दिन लग जाएंगे. तो मैं यही कहूंगी कि आप साल भर एक माइंडसेट रखें कि साइंस की अगर कोई न्यूज आती है न्यूज़पेपर में तो वो आपने एक नोट बना के रख लेना. इसके अलावा पेपर 3 से डरने की जरूरत नहीं है. जैसा कि मैं एक बार दोबारा कहना चाहूंगी, इकोनॉमिक सर्वे इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. उसको किसी भी हालत में उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. बजट इज अगेन ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड एनीथिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीचेस आ रही हो, आरबीआई गवर्नर ने कोई स्पीच दिया हो जिसमें वो इंडिया के बारे में कुछ बता रहे हो, आपको उसका आइडिया होना चाहिए. और जो भी पूरे साल इकोनॉमिक न्यूज का कवरेज होता है वो आप पढ़ते रहें, और दैट इज मोर देन इनफ फॉर पेपर 3. चौथी चीज आती है पेपर 4 विच इज एथिक्स. और ये एक नया पेपर आया है, ये 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है.
मुझे काफी लोगों ने मैसेज और मेल करके पूछा है कि एथिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, बड़ा नया लगता है, कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस तो है बट कोई किताब नहीं है. अब मैं ऑनेस्टली ये कहना चाहूंगी कि मैंने पूरे साल में एथिक्स 7 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ा है. मैंने वो किताबें ही मेंस के एग्जाम के 1 महीने पहले खरीदी थी और मैंने कोई एक किताब से पढ़ाई भी नहीं की है. आप एथिक्स के टॉपिक्स उठाएं, आप कोई एक किताब बाजार में जाके खरीद लें, कोई भी एक खरीद लें. रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स की किताबें आ चुकी हैं, शायद मोहंती सर नाम के किसी ने भी एक निकाले है एथिक्स की किताब. आपको कोचिंग के मटेरियल्स मिल जाएंगे. कोई एक चीज आप उठा लें, जो भी टॉपिक्स हैं एथिक्स में वो आप एक बार कहीं किसी एक मटेरियल से पढ़ लें. अब इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि एथिक्स का जो सिलेबस है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपने वो पढ़ लिया और आप क्वेश्चन कर लेंगे. वो एक थ्योरेटिकल पेपर नहीं है. उसमें आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आप कहीं के अधिकारी हैं, आपको कोई रिश्वत देने आया है, आपको लगता है कि आपको रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या पब्लिक सर्विस इंपॉर्टेंट है या आपका पर्सनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है? तो ऐसे बहुत ही नेचुरल और बहुत ही रियल लाइफ प्रैक्टिकल सवाल आते हैं इस पेपर में. इस साल भी आए हैं, आप देखिएगा. इनको केस स्टडीज के नाम से वो आपको प्रेजेंट करते हैं. बड़ा ही लंबा सा हिस्ट्री होती है कि आप एक आदिवासी क्षेत्र में गए, वहां पे ट्राइबल लोगों की ये डिमांड्स है, आपके गवर्नमेंट ने आपको ये कहा है, आपके खुद के ये विचार है, अब आप वहां पे क्या करेंगे? क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या पैसे ज्यादा होने चाहिए देश में, या सोशल जस्टिस ज्यादा होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्या ख्याल है? बहुत ही रैंडम जनरल प्रैक्टिकल सवाल आते हैं एथिक्स में. किसी किताब पे डिपेंड करना एक गलती है. आप एज अ सिटीजन जो भी सोचते हो, आप एज अ पर्सन जो भी सोचते हो, वो एथिक्स में दिखना चाहिए. इसके लिए मैं बस ये कहूंगी कि आप केस स्टडीज एक दो कोचिंग की टेस्ट सीरीज से उठा के पढ़ लें, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि केस स्टडीज में आंसर कैसे लिखना है. आपको हर टॉपिक को, वो कई बार आपको ऑप्शंस देते हैं, तो आपको हर ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स लिखने होते हैं, आपको बताना होता है कि आप कोई एक ऑप्शन के साथ क्यों जाएंगे. ये चीजें आप किसी एक टेस्ट सीरीज का मटेरियल लेके केस स्टडीज का आंसर वगैरह देख लें कैसे लिखते हैं. किसी भी चीज को रटने या याद करने की जरूरत नहीं है. एक बार आपको लिखना आ जाए, उसके बाद आप जाएं, एक क्लीन दिमाग से जाएं एथिक्स का पेपर देने, सो के जाएं पिछले दिन, और जो आपके दिल में आए आप उस पेपर में लिख के आए. आपको अगर लगता है कि डेवलपमेंट में किसी एक के राइट जरूरी है, आप वो लिखें. आप एक बैलेंस्ड अधिकारी की तरह सोचें जब आप वो पेपर दे रहे हो. बाकी सारे पेपर्स में मैंने कहा आपको एक सिटीजन की तरह सोचना है, बट एथिक्स में आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से, बहुत ही बिना किसी एक्सट्रीम पे गए हुए अपने आंसर्स बनाने हैं. और आपको ये सोचना है कि आप ऑलरेडी एक ऑफिसर हैं. अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपके लिए, आपको ट्राइबल एरिया में भेजा गया है और आपको माइनिंग करवानी है या आपको वहां बच्चों को पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? आप सोचें कि आप पे सच में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और एक बहुत ही नेचुरल आंसर लिखे. मैं इसीलिए आपको कोई आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो भी मैंने आंसर लिखे थे वो मेरी पर्सनैलिटी को शो करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मेरे आंसर लिखने से आपको कल को वो नंबर आएंगे, क्योंकि वो आप उतने कन्विक्शन से, उतने विश्वास से नहीं लिख पाएंगे. तो आपको एज अ पर्सन जो भी लगता है आप उस एथिक्स के पेपर में लिखें. अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सिर्फ इंग्लिश की थोड़ी प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि पेपर इंग्लिश में होता है, बहुत एक्सप्रेसिव होता है. वो कई बार आपको कहते हैं कि आप रियल लाइफ सिचुएशंस को डिस्क्राइब करिए. वो आपको, जैसे हमारे ही पेपर में आया था कि गांधी जी की या हमारे एपीजे अब्दुल कलाम लेट प्रेसिडेंट की एक कोटेशन दे देते हैं, कहते हैं कि आपको क्या लगता है इससे, आप अपने जीवन में इस लाइन से क्या समझते हैं. तो अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है तो आप एक जनरल ऐसे लोगों की बातें थोड़ा फॉलो करना शुरू करिए. स्वामी विवेकानंद हैं, कोई फॉरेन फिलोसफर है, जो आपके इंटरेस्ट के हों उनकी बातें प्रिपेयर करें. इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दें, और हर चीज को ऐसे सोचें जैसे आप ऑलरेडी एक पावर के पोजीशन से देख रहे हैं. बिल्कुल इसमें डरने की कोई बात नहीं है. लोग एथिक्स से बहुत घबराते हैं, उनको 60 नंबर मिल जाता है, बाकी जगह उनको 100 नंबर मिले होते हैं. मुझे लगता है इसका रीजन यही है कि उन्होंने एथिक्स को एज अ पेपर सोच लिया, कि इसमें चलो पेपर
क्वेश्चन उठाओ और कुछ रट लो और वो जाके वहां लिख दो, ऐसा मत करिए. आप एथिक्स को एज अ पर्सन, एज एन ऑफिसर डील करिए. इसमें कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, किसी किताब को रटने की जरूरत नहीं है. बस खुद पे विश्वास रखिए और कन्विक्शन के साथ आंसर्स लिखें. आपको जो लगता है सही है आप वही आंसर लिखें, अपना रीजन दें. कोई ये नहीं कि मुझे कोचिंग में ये बताया था, किसी सर ने ये बोला था. एथिक्स इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, पेपर 4 इस चीज पे बना है. वो 250 नंबर आपकी पर्सनैलिटी पे देने वाले हैं. तो प्लीज इस पे बिल्कुल टेंशन ना लें. और जैसा कि मैंने कहा, अपनी सोच को डेवलप करें. इस पूरे साल बस अपनी सोच को डेवलप करें और वो पेपर जाके लिख के आए. अब हम आते हैं एसए पे, जो एक और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेंस के पेपर में. एसे में मैं ऑनेस्टली ये बताना चाहूंगी कि मैंने एसे की कोई तैयारी नहीं की थी. मैंने एक भी एसे मेंस के एग्जाम के पहले तक नहीं लिखा था. मैंने लास्ट एसे शायद स्कूल में लिखा था और फिर मैंने यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में लिखा. ये इसलिए क्योंकि मैं बचपन से नॉवेल्स पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ. मेरी इंग्लिश पे अच्छी कमांड थी, मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी, मैंने न्यूज़पेपर पूरे साल पढ़ा था, तो मुझे एक लेवल का कॉन्फिडेंस था. अगर आपको ये नहीं है तो मैं ये कहूंगी कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना थोड़ा शुरू करें. योजना मैगजीन जरूर पढ़ें, ऐसे में उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी. और मैंने तो नहीं किया, पर मैं ये कहूंगी कि आप ऐसे की कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें. अगर आपको इससे डर लगता है, अगर आपको लगता है आप लिख नहीं पाएंगे या आपका टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा, तो आप ऐसे की एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें. 5-6 ऐसेज एग्जाम के पहले लिख लें. कोई इसमें डरने की बात नहीं है, कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है. मैंने एक चीज की थी जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि एग्जाम के एक दिन पहले, पहला पेपर हमेशा ऐसे होता है तो लोग कहते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई मत करो, जाओ सो जाओ, आराम करो. मैंने एग्जाम के एक दिन पहले शाम में कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के कोटेशंस गूगल पे डाल के सर्च किए थे, जैसे कि मैक्स वेबर हैं फॉर डेमोक्रेसी, मार्टिन लूथर किंग हैं, गांधी जी हैं, कोई आपके फेवरेट फिलोसोफर हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, कोई भी. मैंने अपने नॉवेल्स में जिनका भी पढ़े थे, मैंने जूलियन बांस और किरण देसाई, इनकी कुछ कोटेशंस ऐसे ही डाल दी थी. मुझे ये चीजें बड़ी पसंद थी पहले भी, तो मैंने उस दिन वो पढ़ी थी और मैंने सोचा था कि कोई भी ऐसे आएगा मैं कोटेशन से स्टार्ट करूंगी और कोटेशन से एंड करूंगी. और ऐसा हो गया कि जो भी ऐसेज आए उसमें मैंने ऐसा किया. मे बी इससे मुझे नंबर थोड़े ज्यादा मिले. तो ये एक चीज है जो आप कर सकते हैं. आप बस एक रात पहले कॉमन टॉपिक्स जैसे डेमोक्रेसी है, पेट्रियोटिज्म है, वुमेन है, वुमेन डेवलपमेंट, लिटरेसी है, इन चीजों पे आप कोट्स डाल के गूगल पे डालें और इम्पोर्टेंट और अच्छे लोगों के कोट्स तीन चार आप देख लें. और अगले दिन अगर हो सके तो इसको अपने एसे में डालें. मुझे लगता है इससे आपके नंबर बहुत बढ़ जाएंगे. इसके बाद मैं बताना चाहूंगी एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल का एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग, स्ट्रैटेजी ऑफ आंसरिंग और ये सारी चीजें. इसके लिए एक जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आप एक मॉक टेस्ट सीरीज जरूर करें. मैंने विजन आईएएस की मॉक टेस्ट सीरीज की थी, उसमें आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का की प्रैक्टिस हो जाएगी, आदत हो जाएगी. और आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि चाहे आप कितना भी पढ़ लें, पेपर में एटलीस्ट 20% सवाल ऐसे जरूर आएंगे जो आपको बिल्कुल शॉक्ड कर देंगे. आपने वो कभी नहीं पढ़ा होगा, शायद आपने कभी सुना भी ना हो. तो इसकी प्रैक्टिस रखना बहुत जरूरी है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप ज्यादा घबराएं ना इन चीजों से. इसलिए मॉक टेस्ट सीरीज करें, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें. एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सिर्फ एक आंसर है, प्रैक्टिस. तो जब मैंने पहला टेस्ट दिया था मैं 20 में से 14 सवाल कर पाई थी मॉक टेस्ट सीरीज का, और जब मैंने आखिरी टेस्ट दिया तो मैं 20 में से 20 करके आई थी. ये शो करता है कि 3 महीने में अगर आपने 12-13 टेस्ट दिए तो आपकी स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाएगी. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी. सेकेंड चीज है अटेम्प्ट. मैं ये कहना चाहूंगी कि आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. मैंने एग्जाम में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया. जैसा मैंने पहले बताया, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे. एक नॉर्मल इंसान की तरह आप बस कुछ भी उसमें लिख के आ जाएं, लेकिन हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. नंबर 3 है क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है. इसमें मैं ये कहना चाहूंगी जो मैंने फॉलो किया, एक इंट्रोडक्शन आप जरूर दें हर क्वेश्चन का. कोई भी क्वेश्चन आए अदर देन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, आप एक बेसिक सा एक लाइन का इंट्रोडक्शन दे दें.
वुमेन एम्पावरमेंट पे आए तो आप कुछ लिख दें कि वुमेन की आज देश में क्या हालत है, दुनिया में क्या हालत है, आप कोई स्टेटिस्टिक्स दे दें, आप कोई डेफिनेशन लिख दें, कुछ ऐसा करके आप शुरुआत कर दें। जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर में आप 3-4 पॉइंट्स बना के उसका टू द पॉइंट आंसर करें। दिस इज आइडियल। ये ऐसा है कि अगर आपको सब कुछ आता है तब आप ऐसा आंसर लिख पाएंगे, बट आपका एम यही होना चाहिए। और 4 बुलेट पॉइंट्स या 4 थोड़े से पैराग्राफ में बना के लिखने के बाद आपको एक छोटा सा कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोगों को पढ़ के लगे कि हाँ आगे थोड़ा होपफुल होने वाला है। तो भले ही क्वेश्चन नेगेटिव हो, भले ही क्वेश्चन में लिखा हो कि आज देश में लिटरेसी की बड़ी बुरी हालत है, लोग पढ़ते नहीं है, इसके लिए क्या होना चाहिए, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, आप अपने सजेशंस लिखें। आप एक इंट्रोडक्शन लिखें कि हाँ लिटरेसी की ऐसी हालत है, हमारा ये इतना परसेंट है, हमें ये बढ़ाना है। लेकिन कंक्लूजन जरूर थोड़ा होपफुल हो। आप ऐसा लिखें कि भले ही लिटरेसी हमारी इतनी है, लेकिन अगर हम ये 3-4 प्रोग्राम्स पे काम करें, अगर हम ऊपर दी बातों पे नजर लगा के एक लॉ लाएं, तो हम जरूर 100% लिटरेसी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चाहे जो भी इंट्रोडक्शन और आंसर, चाहे भले ही थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो, थोड़ा सा आपको निराशाजनक लगे, कंक्लूजन जरूर ऑप्टिमिस्टिक हो। तो ये आपका एम होना चाहिए। पेपर 1 थोड़ा फैक्चुअल होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा सोसाइटी पेपर 2 स्पेशली एंड पेपर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे ही आंसर्स को अटेम्प्ट करें। मैंने ऐसा ही किया था और मुझे लगता है इससे काफी हेल्प मिलती है। इसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्वेश्चन कि ऑप्शनल क्या लेना है, कैसे लेना है। इस पे मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मेरे दिमाग में कभी कोई डाउट नहीं था ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके। मैं डॉक्टर थी, मैंने MD भी स्टार्ट कर दिया था, फिर मैंने छोड़ दिया, तो मुझे लगा मेडिकल साइंस तो मुझे आती है। मैंने MBBS में पढ़ा था, मैंने MD की तैयारी करने में इतना पढ़ा था, तो मैंने मेडिकल साइंस ले लिया। मेडिकल साइंस की तैयारी में कुछ ज्यादा मैं बताने के मुझे लगता नहीं है बताने की जरूरत है। आपके जो कॉलेज के नोट्स हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप वही पढ़ लें। मेडिकल साइंस का कोई बनाया हुआ मटेरियल बाजार में नहीं मिलता है, तो अगर आप मेडिकल साइंस ले रहे हैं तो आप डॉक्टर होंगे आई एम श्योर, और आपके जो कॉलेज के नोट्स होंगे, कॉलेज की किताबें होंगी, दे आर मोर देन सफिशियंट। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए थे तो आप अब बना लें। और जो भी टॉपिक सिलेबस में दिए हैं क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। कभी भी आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। डायग्राम्स पे बहुत ध्यान दें, डायग्राम प्रैक्टिस करें और छोटे छोटे यू नो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कर करके एक डायग्नोसिस का एक अंडरलाइन करके अपने क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस को अंडरलाइन करके ऐसे एक सुंदर सा प्रेजेंटेशन करें अपने आंसर्स का। मेडिकल साइंस में MBBS में इसकी आदत भी हो जाती है, तो बस ये सब करके बहुत ही सिंपल तरीके की प्रिपरेशन चाहिए। कोई इसमें हाई फाई चीजें नहीं चाहिए, नई चीजें अगर होती भी हैं तो एक दो सवाल ही आते हैं उन पे। इस तरह आप मेडिकल साइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। और किसी ऑप्शनल के बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने और कोई ऑप्शनल ट्राई करने का भी कभी नहीं सोचा था। ऑप्शनल जो भी हो, बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल बनाएं। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको एक लेवल ऑफ कंफर्ट होता है, आपको एक नई चीज जाके एक महीने में नहीं पढ़नी होती, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। और कॉन्फिडेंटली अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को मेंस के पहले एटलीस्ट जो 3 महीने है उसमें लगभग एक बार रोज अपने ऑप्शनल को देखते रहे। इसके अलावा अब बात आती है, अगर मेंस तक आपका बहुत अच्छा सफर कट गया तो इंटरव्यू की कॉल आती है, आपका नाम आता है, आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करने का मौका मिलता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट होता है प्रिपरेशन का। मेरा इंटरव्यू पहले हफ्ते में था तो मेरे पास बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं था, मेरा 20 दिन मिला था मुझे रिजल्ट से इंटरव्यू तक। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेंस के बाद आप अपनी छुट्टियां मना के 15-20 दिन की न्यूज़पेपर्स पढ़ना दोबारा से शुरू कर दें। न्यूज़पेपर्स पढ़ना आपको छोड़ना नहीं चाहिए जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, उसके बाद भी पढ़ना चाहिए, बट इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने छोड़ दिया था और मुझे इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हुई, बाद में मुझे ऐसे कोचिंग के मटेरियल्स न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहे।
इंटरव्यू में किसी स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, आपने ऑप्शनल के लिए जो पढ़ा है आपको उतना ही पढ़ना है, जो न्यूज़पेपर्स में चल रहा है आपको उतना ही पढ़ना है, सिर्फ एक चीज है जो इंटरव्यू में आपको तैयार करना होता है वो है आपके बोलने का ढंग। और इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक इंटरव्यूज दें। मैंने लगभग 5 मॉक इंटरव्यूज दिए थे इंटरव्यू मेन यूपीएससी इंटरव्यू के पहले, और मैंने संकल्प और वाजीराम ज्वाइन किया था। आप कोई भी 2 जगह ज्वाइन कर लें। मॉक इंटरव्यूज का पर्पस ये नहीं है कि वो आपकी नॉलेज बढ़ाएगा या आपको कुछ सिखा देगा, सिर्फ इतना है कि आपको 6-8-10 लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलने की आदत होनी चाहिए। आप वहां लड़खड़ा ना जाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस पर सॉरी बोल के बहुत ही कॉन्फिडेंटली वहां बैठ सकते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग आपको इंटरव्यू में मिलेगी। अगर आप कुछ बोलने में हकलाते हैं, अगर आपके हाथ पैर की मूवमेंट्स हो जाती हैं, अगर आप थोड़ा घबरा जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मॉक इंटरव्यूज में आपके पैनलिस्ट बता देंगे। तो मोर इम्पॉर्टेंट देन कंटेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन योर नॉलेज बेस, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप नॉलेज और कंटेंट को हटा के सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन पे काम करें थोड़ा सा। और नॉलेज और कंटेंट तो ऑलरेडी आपका है, तभी आपको इंटरव्यू की कॉल आई है, तो उस पे ज्यादा आप टेंशन ना लें और कॉन्फिडेंटली बोलने की प्रैक्टिस करें। उन लोगों से मिलें, उन लोगों से बात करें जो आपको कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। अपनी फैमिली के सामने बातें करें, आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करें। और मॉक इंटरव्यूज में जो भी बोलें कि आपका ये एक पक्ष है जिसमें आपको काम करना है, उस पर आप काम कर लें। इट इज नॉट अ बिग डील, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर मेंस में हो गया है तो आपका नॉलेज बेस ऑलरेडी बहुत अच्छा है, और इंटरव्यू इज अ पीस ऑफ केक। आपको बस जाके वहां कॉन्फिडेंटली बोलना है। आपको कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल खुशी से बोलें कि आई एम सॉरी, मैंने ये नहीं पढ़ा है। वो ऐसी बहुत सारी चीजें पूछते हैं जो आप नहीं प्रिपेयर कर सकते, जो आपको नहीं आता है, तो इस पे बिल्कुल भी घबराए ना। इंटरव्यू की कुछ खास प्रिपरेशन टिप्स में मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या दूं। इतना जितना मैंने कहा आप इतना कर लें, आपको एवरेज से ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो ये हुई पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन की एक बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू, और मुझे लगता है कि मैंने अपने हिसाब से आपको थोड़ी बहुत बातें बता दी हैं। अगर आपको किसी में डाउट हो आप मुझे पर्सनली पूछ लें। अगर आपको कुछ लगे कि कुछ छूट गया, कोई किताबें छूट गई, तो आप मेरे अलावा और टॉपर्स के इंटरव्यूज देखें जो आपके लिए काम करे, आप बिल्कुल वही फॉलो करें। जरूरी नहीं है कि मैंने जो कहा वो आपके लिए काम करे। आप एक बार सुने, अपने बुद्धि विवेक से चूज करें आपको क्या सही लग रहा है, और आप फिर उसको फॉलो करें। इन द एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो परीक्षा है ये पढ़ाई और यू नो आपके नॉलेज से ज्यादा आपकी दृढ़ता और आपके निश्चय, आपके पेशेंस, आपके फोकस के एग्जाम होता है। तो इन सब से ज्यादा आप अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दें। बहुत दिन आपको निराशाएं मिलेंगी, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मैं ये छोड़ के वापस चले जाऊं। मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, मैं डॉक्टर थी, मैं इधर आ गई। आपको भी ये लगेगा, आप कुछ कर रहे थे, आपने वो छोड़ के आप इधर आ गए। आपको बहुत सारी रातों में नींद नहीं आएगी, आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन होगा। इसके लिए आप तैयार रहें, और इसके लिए भी तैयार रहें कि बिना इनके आपको शायद सक्सेस भी ना मिले। तो अगर बुरा लग रहा है ये नेचुरल है, अगर डर लग रहा है ये उससे भी ज्यादा नेचुरल है, पर इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका हिम्मती रहना। आप हिम्मत रखें, बाकी कुछ हो ना हो आप डेली इस बात को सोचें कि अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपने दृढ़ता से इसका सपना देखा है, तो आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। पहली बार नहीं तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। और बड़े ही फोकस के साथ इस प्रिपरेशन में आए। बहुत इधर उधर बहुत डिस्ट्रैक्शंस होंगे। जनरल स्टडीज ऐसा है कि आपको दुनिया भर की बातों के बारे में सोचना है और ओपिनियन बनाना है। फोकस्ड रहे एग्जामिनेशन नीड्स पे, और बहुत एक स्ट्रेंथ वाला बहुत कौन इसमें चाहिए आपको। स्वामी विवेकानंद ने जैसा कहा है कि आपके नर्व्स ऑफ स्टील होने चाहिए। आपको किसी चीज से डर नहीं लगना चाहिए। आपका मेंस का एक पेपर खराब हो, आप दूसरा पेपर अच्छा करें, तीसरा खराब हो, चौथा अच्छा करें, बिना गैप के आपको 6 पेपर्स देने होंगे। उन सब पेपर्स में आपको बस स्ट्रेंथ रखनी है, पेशेंस रखना है, इंटरव्यू तक आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। और अगर भगवान ने चाहा, अगर आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स आपके साथ रही, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी।
और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर. एंड अगर कोई भी चीज हो जो आपको मुझसे और पूछनी हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.